न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सचिन पायलट खेमे के कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी का दर्द और गुस्सा झलक पड़ा है। सड़क और पुल की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान हेमाराम चौधरी ने अपनी ही गहलोत सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। हेमाराम चौधरी ने यहां तक कह दिया कि दुश्मनी मेरे से है तो मुझे सजा दो। आखिर क्षेत्र की जनता का क्या गुनाह है? हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर में गुड़ा मलानी से विधायक है। राजस्थान में गत वर्ष आए सियासी संकट के दौरान वो पायलट खेमे में शामिल थे। हेमाराम चौधरी ने कहा कि बाड़मेर जिले में घटिया सड़कें बनी है, उनमें करोड़ों रुपए का घोटाला और घपला सामने आया। उन्होंने इसकी जांच के लिए सीबीआई से करवाने की भी मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि एक सड़क के निर्माण में 2 से 2.5 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि दबाव में नहीं आने वाले एक्सआईएन को सिंगलर ऑर्डर से हटा दिया गया और दूसरे एक्सआईएन को सिंगल ऑर्डर से ही लगा दिया गया। हेमाराम चौधरी ने कहा कि मेरे क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा एक्सआईएन को धमकाया जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में XEN को 1 घंटे में ही बोरिया बिस्तर बांधने पड़ जाते हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूं और कहां जाऊं? हेमाराम चौधरी ने यह भी कहा कि मेरे बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन विधानसभा में मैं कम से कम अपनी बात ही रख सकता हूं। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर सदन में खूब गुबार निकाला। उन्होंने कहा कि मैंने बजट को खूब टटोला, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए पूरे बजट में एक ही सड़क निकली। बजट में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों के लिए सड़कों की घोषणा की गई है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये तीनों ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ हमारे क्षेत्र का भी ख्याल कर लीजिए। दुश्मनी अगर मुझसे है तो मेरे से निकालिए। क्षेत्र की जनता का कोई गलती और गुनाह नहीं है। हेमाराम चौधरी ने ये भी कहा कि एक जगह का नाम चलाकी से डाल दिया गया, लेकिन गुड़ा मलानी का उससे कोई वास्ता नहीं है। लोग आखिर केवल नाम से राजी होंगे या सड़क बनाने से उन्हें खुशी मिलेगी? वहीं हेमाराम चौधरी ने यह भी कहा कि न पिछले साल के बजट में एक भी गांव को सड़क से जोड़ा गया और ना ही इस साल के बजट में एक भी गांव को सड़क से जोड़ने की बात कही गई है। अगर ऐसा ही रहा तो क्या गांव पूरी जिंदगी बिना सड़कों के ही रहेंगे? लेकिन अब देखना होगा कि पायलट समर्थक इस नेता के बयान पर गहलोत सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।